तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना, तेरे जैसा यार कहां। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं शिवांशु अत्रे एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। क्लास 11 के कारवा को टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा और आगे ले चलते हैं और आज बात करते हैं अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज की। जैसे ही मैं टिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब जो होते हैं ना, मुझे एक दोस्त की तरह लगते हैं, तो बस मुझे ये गाना याद आ जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे एक बहुत बढ़िया Redmi Note 6 Pro का गिव अवे चल रहा है, लिंक कॉर्नर में आ रहा है, हो सकता है ये मोबाइल आपका हो जाए। और जी हां, एक विशेष सूचना, 5 सितंबर से मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, NTSC का। 45 डेज का कोर्स होगा और पूरे NTSC का कोर्स में करा दूंगा, तो जुड़ जाओ। अगर नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी बोल दो। तो चलो अपन वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ लाया हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 2 cos पाई बाय 3 cos 9 पाई बाय 3 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू 0। तो चलिए भाई, 0 लाना है। अब देखते हैं 0 कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये कुछ देखने में लग रहा है 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, तो पहले इसको फ्री करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला लगा दो। ये हो जाएगा cos a plus b, तो ये हो गया आपका cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos a minus b, तो ये हो गया cos 8 पाई बाय 13, ठीक है, क्लियर। आगे है आपका cos 3 पाई बाय 13, चलो लिख देते हैं cos 3 पाई बाय 13, और फिर अंत में आपका बचता है cos 5 पाई बाय 13। अब देखो यहां फिर इनकी दोस्ती निभाते हैं, है ना, ये अब पेयर बन गए, बहुत बढ़िया। देखो 10 और 3 ये दोनों एक घर में रहेंगे क्योंकि 13 हो रहा है सम, 8 और 5 ये दोनों एक घर में रहेंगे क्योंकि यहां भी सम 13 हो रहा है ना। तो बस इसी मस्ती अंदाज में अपन पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो ये 10 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13, रख दो भैया इनको एक घर में, कहीं भागने नहीं चाहिए, ये हो गए बंद। अब आगे चलते हैं, दूसरे वाले घर में रखते हैं अपन cos 8 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ये दूसरे घर में आ गए भाई। अब क्या बन रहा है, देखो cos a प्लस cos b या cos c प्लस cos d बन रहा है ना। तो अब यहां क्या बन जाएगा, cos c प्लस d बाय 2 और c माइनस डी बाई 2, यही बनेगा ना। तो यहां बना लेते हैं अपन कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा cos अब c प्लस डी बाई 2, तो देखो 13 पाई बाय 13 है ना, और बाई 2 भी है, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2। समझ में आ गया आपको, cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos, ये 2 भी तो रहेगा ना, है ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो 10 प्लस 3 13 है ना, 13 पाई बाय 13 अपॉन 2, तो 13 से 13 कट गया, पाई बाय 2 बच गया, और फिर होगा आपका cos c माइनस d बाई 2 है ना। तो ये हो जाएगा 10 में से 3 गए तो 7, तो 7 पाई बाय 26, ठीक है, ये तो आ गया इसका, है ना। अब चलते हैं यहां पर, ये हो जाएगा 2 cos सेम वही 8 प्लस 5 13, 13 से 13 कट गया तो पाई बाय 2 बचा है यहां पे भी बढ़िया तरीके से, और दूसरा बच गया cos, और ये हो जाएगा आपका 8 में से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 3 पाई बाय 26 हो जाएगा, है ना, 3 पाई बाय 26। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos पाई बाय 2, तो कॉमन ले लो, 2 cos पाई बाय 2 कॉमन आ गया बढ़िया तरीके से, अंदर क्या बच गया cos 7 पाई बाय 26 प्लस cos 3 पाई बाय 26, चलो जो बच गया उसको जाने दो। अब देखो यहां पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि cos pi by 2 यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है कितनी 0, तो ये कितनी हो जाएगी 2 इंटू 0, और फिर ये आपका बढ़िया सी कहानी जो आपको है गानी। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, 0 में बहुत पावर होती है, है ना, अगर पीछे लग जाए तो आपकी क्या होता है वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाए तो आपकी वैल्यू खत्म कर देता है, आपकी मिट्टी में खाक कर देता है पूरा। अब देखो ये जीरो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सब कुछ जीरो हो गया, तो ये जीरो आ गया और ये आरएचएस हो गया, अगर ये एलएचएस से लेके चले थे तो, है ना, कितना सिंपल है, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगा ना, क्वेश्चन पूरा आपको बकायदा बढ़िया तरीके से मिलेगा। देखो 2 cos पाई बाय 13 cos 9 पाई बाय 13, तो ये बन रहा था 2 cos a cos b का, तो बस अपन उसको ओपन करते चले गए, कितने बढ़िया तरीके से आंसर आ गया। तो चलो उतारो फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। आइए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर
तो बढ़िया तरीके से लिख दिया मैंने cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये LHS है मेरा। चलिए अब ये लाना है 4 cos स्क्वायर x plus y by 2। चलो अब देखो ये लाते हैं अपन, करते हैं कुछ ट्राई। तो आपको ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं खोलना, कहीं आप लग जाओ इसमें कि cos स्क्वायर x plus cos स्क्वायर y plus 2 cos x cos y, है ना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल तरीका करेंगे। देखो ये cos c plus cos d लगा है, लग रहा है ना, तो फॉर्मूला लगा दो आप, तो ये लग जाएगा 2 cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2 और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया तरीके से समझ में आ गया ना। अब आगे क्या है, sin c minus sin d जैसा लग रहा है देखने में, तो ये भी लिख दो, ये हो जाएगा आपका 2 cos c plus d by 2 और sin c माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये भी बढ़िया तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, चलो पहले तो अपन क्या करते हैं स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू, ठीक है ना। कुछ नहीं करा, स्क्वायर खोल दिया अपन ने, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन ले लो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, क्या बच रहा है अंदर, यहां बच जाएगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू और वहां बच जाएगा sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। क्या बात है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना 1, तो ये तो हो गया 1, तो क्या आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, है ना, क्योंकि ये तो क्या हो गया 1 हो गया। अब देखो जरा यही लाना था क्या, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, तो ये आ गया अपना RHS। कितना सिंपल है ना, देखो कोई दिमाग नहीं लगा ना, बहुत सिंपल सिंपल से आपको फॉर्मूले यूज करते हुए जाने और आंसर अपने आप आता चला जाएगा। तो चलो उसको भी उतारो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल लेंगे। हाँ जी, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसका LHS लिख लेते हैं, क्या आ रहा है भाई, यह है आपका साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो पहले तो देखो यहां पर पेयर बनाओ भाई, ये पेयर बने हुए नहीं है अभी, देखो x और 7x दोनों को ऐड करोगे 8x बनेगा, 3x और 5x दोनों को ऐड करोगे 8x बनेगा, तो ये पेयर रखो भाई। तो एक घर में तो आप रख दो, पहले बड़ा 7 है ना, तो साइन 7x प्लस साइन x रख देते हैं एक में तो, और दूसरे घर में रख देते हैं बेटा साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला जैसा लग रहा है ये, तो लिख दो भाई, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 7x प्लस x कितना हो गया बेटा 8x और 8x बाई 2 4x, तो ये हो गया साइन 4x, ठीक है। और cos ये होगा आपका c माइनस d बाई 2, तो 7x माइनस x कितना होगा 6x और 6x बाई 2 कितना होगा 3x, तो ये हो गया cos 3x, बहुत बढ़िया। ये चलते हैं, अब ये हो जाएगा आपका साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x हो गया, 8x बाई 2 कितना हो गया 4x हो गया, बढ़िया एकदम, है ना। फिर आगे क्या आएगा, cos c माइनस d, तो 5x माइनस 3x कितना हुआ 2x और 2x बाई 2 कितना हो गया x। चलो अब कुछ कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है भैया, निकाल लो, ये हो जाएगा 2 साइन 4x, बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा आपको, अंदर क्या बच गया cos 3x प्लस cos x, क्या बात है, cos c प्लस cos d आ गया, तो ये हो गया आपका 2 साइन 4x, ठीक है। अब देखो आंसर cos cos मिलाना है तो आ रहा है आंसर, तो बढ़िया है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, याद आ रहा है तुम्हें, ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2, तो 3x plus x 4x, 4x by 2 कितना हो गया 2x और cos c minus d by 2 3x minus x कितना होगा 2x और 2x by 2 कितना हो गया x। चलो भाई ये आ गया, अब थोड़ा सजा के लिख दो क्या लाना है, देखो 4 लाना है तो 2 into 2 4 आ गया, फिर क्या आ रहा है cos x cos 2x, तो ये रहा भाई cos x, चलो भाई cos x cos 2x, ये रहा भाई, फिर आगे क्या लाना है sin 4x, तो ये रहा अपना sin 4x, और ये क्या हो गया, ये हो गया RHS, है ना। तो कितना बढ़िया तरीके से आ गया, LHS को RHS लिया, कोई दिमाग नहीं लगा रहे अपन, केवल और केवल वैल्यूज पुट कर रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं ना। तो फॉर्मूला याद होगा तो आप इसमें शहंशाह बन जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो चलो उतारो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। हाँ जी, अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4, देखने से ही थोड़ा डरावना लग रहा है ना, पर घबराने की बात नहीं है, जितना बड़ा होता है ना क्वेश्चन उतना ही ज्यादा सिंपल होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ LHS लिख लेते हैं, अब LHS में यार लिखूंगा नहीं यार, क्योंकि बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है। तो पहले अपन यही चलते हैं, देखो साइन सी प्लस साइन डी आ रहा है ना, ये साइन, ये ब्रैकेट बने हुए हैं तो अपन इसको छेड़ेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि देखो 7 प्लस 5 कितना होगा 12,
9 प्लस 3 कितना होगा 12, यानी कि पहले उसने सजा के दिया है कि भैया परेशान मत हो, हम तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से देने। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी, तो आप लगा दो यहां पर हो गया ये, मैं LHS डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया आगे, है ना, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 7x प्लस 5x 12x, 12x बाई 2 हो गया आपका 6x, और फिर आएगा आपका cos c माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस 5x 2x, 2x बाई 2 हो गया आपका x, चलो भाई प्लस, वैसे ही यहां लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो गया आपका साइन 9x प्लस 3x कितना हो गया 12x, 12x बाई 2 कितना हो गया 6x, चलो भाई लिख दिया, और cos अब 9 में से 3 गए तो कितना हुआ 6x, 6x बाई 2 कितना हो गया 3x, तो cos 3x चलो भाई लिख दिया, अपॉन ये बन रहा है cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d लिख दो, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो प्लस वाला भी कराइए, पता ही है 7 प्लस 5 12 हो रहा है, 12 बाई 2 6 हो रहा है, तो 6x, और ऊपर वाले में तो cos किया था तो वही तो cos आ रहा है बाद में, cos c माइनस d बाई 2, तो कोई लोड की बात ही नहीं है, cos x ही आना है यहां से, प्लस यहां लगा देते हैं cos 9x प्लस cos 3x, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos 6x और cos 3x c माइनस d बाई 2 होता है cos का। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2 sin 6x बढ़िया तरीके से, अंदर बच गया cos x प्लस cos 3x, वाह भाई वाह क्या बात है, आंसर तो सामने आ गया, नीचे से आ गया 2 cos 6x, क्या बन गया भाई cos x प्लस cos 3x, है ना, तो देखो ये कट जाएंगे 2-2 कट गया, क्या आ गया आंसर sin 6x, क्या बात है, क्वेश्चन कितना डरावना था आंसर कितना प्यारा आ गया देखो, है ना, और cos upon sin कितना होता है 10, तो ये आ गया 10 6x, और ये हो गया बढ़िया तरीके से RHS, समझ गए, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो बढ़िया तरीके से उतार दो, आंसर आपका 101% आएगा ना, तो चलो उसको उतारो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाँ जी, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फाइंड साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड 10x बाई 2 इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। चलो यहां तक तो ठीक है, एक्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो ये होता है 90, है ना, और एक्स और ये 180, तो एक्स बाई 2 होगा तो क्या होगा 45x और 90, है ना, क्लियर है, अगर x बाई 2 कर देंगे तो 90 बाई 2 180 बाई 2 हो जाएगा, तो 45 90, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव लाने वाले हैं x बाई 2, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, पहली ये बेसिक याद रखना। अब साइन x 1/4 है तो चलो cos x निकालने की तैयारी करते हैं, तो साइन x हो गया बेटा 1/4, तो आपका cos x हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/16 हो गया बेटा ये तो आपका, तो ये आ गया आपका रूट 15/4, और प्लस माइनस रहता है बेटा ना, परंतु आप ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है, क्योंकि यहां एक्स की बात कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 15/4 सिंस एक्स इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अभी एक्स बाई 2 की हमने बात ही नहीं करी है ना, ये कॉस आ गया, अब आपने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो आप सोचो 2 थीटा तो आपका x हो गया, ठीक है, 2 थीटा को आप x ले लो तो थीटा कितना हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा, तो फिर आप साइन x बाई 2 का वैल्यू निकालो, साइन x बाई 2, ठीक है, यहां थीटा का वैल्यू क्या है x बाई 2, 2 थीटा का क्या होगा x, ठीक है, तो ये लिख दोगे आप साइन x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस, हाँ जी याद आ रहा है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बढ़िया तरीके से कर लिया होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 1, और ये प्लस हो गया बेटा प्लस रूट 15/4 अपॉन 2, तो ये बन गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस रूट 15/4 टू जा 8, और 8 का हो गया 2√2, बाहर आ गया ये, है ना, 2√2, ये आ गया आपका साइन एक्स बाई 2, अब आप निकालो कॉस एक्स बाई 2, अब यहां पे कॉस के टर्म्स में ले लो, कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा क्या हो गया याद करो एक्स बाई 2, ठीक है, और 2 थीटा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट, यहां क्या आएगा माइनस या प्लस, यहां आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, फॉर्मूला याद रखना है बस और कुछ नहीं रखना, तो प्लस माइनस
सेम ही है वो तो, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 और यहां प्लस है तो माइनस लग गई इसकी वैल्यू, माइनस 15/4 और ये अपॉन का 2, बढ़िया तरीके से लिख दिया। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस और ये बन गया आपका बेटा 4 - √15/√2, ये आ गया ठीक है, cos x by 2, क्लियर। अब देखो x by 2 कौन सा क्वाड्रेंट बताया मैंने आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव वाला ले लो, है ना। तो यहां अपन यही लिख लेते हैं, साइन x by 2 इज इक्वल टू √4 + √15/√2, यह आपका साइन x by 2 का आ गया। यहां लिख लो आप cos x by 2, cos x by 2 हो गया आपका √4 - √15/√2, यह आपका cos x by 2 हो गया, क्योंकि x by 2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, ठीक है। यहां तो प्लस माइनस तो आएगा ही स्क्वायर से। अब बात किसकी बची है बेटा, tan x by 2 की। तो tan x by 2, tan तो क्या होता है sin by cos, तो sin x by 2 upon cos x by 2, तो 2√2 से 2√2 तो खत्म हो गया, ये डायरेक्ट बच गया आपका √4 + √15/4 - √15। तो इसको कैसे करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 4 + √15/4 + √15, बढ़िया हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा 4 + √15 का होल स्क्वायर रूट में, है ना, तो रूट हट जाएगा, तो यही बचेगा केवल 4 + √15, ठीक है। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी वाली चीज दिख रही है रूट में, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, तो 16 - 15 कितना हुआ, 1 हुआ, तो √1 तो आपका 1 ही था, तो लिखने की भी क्या जरूरत है ना। तो ये हो गया आपका 4 + √15, ये आ गया आपका tan x by 2, ठीक है। तो sin x by 2 ये रहा, cos x by 2 ये रहा, और tan x by 2 ये रहा, ठीक है। तो that's all for this video, आई होप ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बोलो कि सर का चैनल है, फटाफट इस पर जुड़ जाओ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।